हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बस उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज है फ्राइडे एंड मैं यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो मुझे ना फ़िश बनानी थी। तो ये जो फ़िश है ना, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा मिलती है एंड हम लोग इसे न्यूटी कहते हैं। एक को न्यूटी कहते हैं और ज़्यादा रहेंगे तो उसे न्यूटिया कहते हैं मराठी में। आगरी में भी हम इसे न्यूटी कहते हैं। ये जो फ़िश है ना, मैं ये क्लीन कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ व्लॉग में, और इसकी रेसिपी भी बताऊँगी, ग्रेवी वाली, आई मीन थोड़ा सा रसा वाली, एंड फ्राई भी। तो बस वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं इसे क्लीन करूँगी एंड इसके बाद में किचन में जाके इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलूँगी आपको। पहले फिश साफ करूँगी एंड इसके बाद किचन में मिलते हैं।
यहाँ पर मैंने फ़िश साफ़ करके वॉश कर ली है अच्छे से 2 से 3 पानी में, और जब भी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी उसकी तभी और 1-2 बार उसे वॉश कर लूँगी अच्छे से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मसाला बना रही हूँ, अदरक लहसुन मिर्ची और धनिया पत्ता का, इसे मैं चॉपर में डाल रही हूँ। इसका दरदरा मैं इसे चॉप कर दूँगी। एंड अभी इसकी मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा रस्सा वाली, और फ्राई भी करने वाली हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने इसे क्रश कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन में ऑयल ले लिया है और उसमें मैं ये मसाला डाल रही हूँ मेरा। इसमें मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है मुझे फ्राई जब भी मैं फ़िश करूँगी उसके लिए। अभी इसे भूनने के बाद मैं इसमें नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं फ़िश डाल दूँगी। ये मुझे ग्रेवी जिसकी रसा बनाने का था ना, उसके मैंने 1 फ़िश के 2 पीसेस कर लिए थे। इसे अच्छे से स्टर करने के बाद मैं इसमें अभी ढक्कन रख दूँगी इसके ऊपर। पहले थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि ये जो मसाला है थोड़ा सा चिपक रहा था, तो ढकने के बाद ये ज़्यादा जले ना इसलिए। तो हल्का सा पानी मैंने इसमें डाल के अभी इसमें ढक रही हूँ मैं इसको, और इसके ऊपर थोड़ा सा और पानी डाल के और इसमें मैं इमली रख दूँगी ताकि इमली का पल्प जो है वो आसानी से निकल कर आए इसलिए। और अभी आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा और गर्म पानी इसमें डाल दिया है। ये ऊपर का पानी जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, और अभी मैं इमली का पल्प निकाल दूँगी और तब तक इसे एक बार और ढकती हूँ। इसे आप स्पून से स्टर करने से बेहतर है ना, आप इसी से पकड़ से इसे थोड़ा सा राउंड शेप में हिला के इसे अच्छे से स्टर कर सकते हो। अभी मैंने इसका इमली का पल्प जो है वो निकाल लिया है और अभी मैं उसमें डाल दूँगी सब्ज़ी में। ये आपको जितनी ग्रेवी या रसा चाहिए उतना आप पानी लेके इमली के साथ आप डाल सकते हो उसमें, और उसे थोड़ा सा बिना ढक के ही इसे अभी पकाना है। अभी जब तक सब्ज़ी हो रही है तब तक मैं फ़िश जो है फ्राई करने वाली उसे मैं मसाला लगा रही हूँ, ये मैंने बचाया हुआ, और उसके साथ ड्राई मसाले डाल के मैं इसे मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड मिर्ची पाउडर डाल दूँगी। और थोड़ा सा गरम मसाला एंड जीरा पाउडर डाल के इसे मैं मैरिनेट कर लूँगी। और साइड में मेरी सब्ज़ी जो है वो कुक हो रही है, ये होने के बाद मैं इसे फ्राई कर दूँगी फ़िश को। ये एंड अभी इस स्टेज पे मेरी सब्ज़ी जो है ये रेडी हो चुकी है। मैं इसका टेस्ट देख रही हूँ चख के, ये इसमें नमक वगैरह सब ठीक है कि नहीं, सब ठीक था। तो अभी मैं सब्ज़ी उतार के मैंने तवा रख दिया है उसी बर्नर पे, थोड़ा सा तेल ले लिया है तवे में, और तेल गर्म होने के बाद मैं ये फिश जो है इसमें डाल रही हूँ। हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। और 5 से 6 मिनट तक है ना स्लो फ्लेम पे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद हम इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड से अभी इसे पकाएंगे और 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही। और मैंने अभी इसमें थोड़ा सा और तेल डाल दिया है दूसरे साइड से पकने के लिए। आप जब भी फ़िश फ्राई कर रहे होंगे ना तो थोड़ा थोड़ा ही तेल डालें, एकदम से ज़्यादा तेल मत डालिए।
एंड अभी मैंने इसे ना दोनों साइड से स्लो फ्लेम पे पका लिया है, और अभी मुझे इसे क्रिस्पी करने के लिए, थोड़ा सा बाहर से क्रिस्पी करने के लिए मैं इसे 30 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ दूँगी, ताकि बाहर से भी क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। एंड इसके बाद फ़िश जो है फ्राई फ़िश वो भी रेडी हो जाएगी। अभी मैं इसे पलट रही हूँ हाई फ्लेम पे छोड़ने के बाद। आप देख सकते हो इसका कलर जो है वो अच्छे से डार्क ब्राउन कलर आ चुका है इसे, इसका मतलब ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी है और अंदर से कुक है। तो बस मेरी फ़िश फ्राई जो है वो रेडी है। अभी मैं गैस ऑफ़ कर रही हूँ। अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।